व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गाय फ्रॉम क्वेटा। तो आज हम फिर खेलने जा रहे हैं GTA 5। लास्ट वीडियो में हमने की थी बैंक रॉबरी और इसमें भी हमने रॉबरी ही करनी है, पर वो पैसे की नहीं, गाड़ी की रॉबरी करनी है हमने। तो वो गाड़ी चुरानी है हमने माइकल के घर से। माइकल इस बंदे से गाड़ी ले गया था पर वो पैसा देने से अब इनकार कर रहा, और वो गाड़ी हमने चुरा के लेके आनी है और इसी बंदे को वापस देनी है। तो इसकी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं, तो चलिए हम इसको स्किप करते हैं। तो जी चलिए अब हम कन्वेंस ढूंढ लें कोई जाने के लिए। तो ये दो गाड़ियां खड़ी हैं, चलिए पहली वाली उठा लेते हैं और गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और बाकी यदि हम स्किप करते हैं और चलते हैं सीधा माइकल के घर पे। तो लीजिए हम पहुंच गए माइकल के घर पे। अब हम यहाँ पे उतरते हैं और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी चोरी करनी है और रास्ता तो हमें गेट से हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। स्टेशन रोड पे हम आ जाते हैं। इस बंदे को हमने ना चुपके से इसको मारना है। तो चलिए आहिस्ता 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 हम उसके पास जाते हैं, बगैर कोई शोर किए हम इसको मारने की कोशिश करते हैं। तो दें जी, हमने इसको गिरा दिया। अब हमें जी वाह जी वाह, अब हमें गाड़ी ढूंढनी है। आई थिंक ये गैराज है, चलें इसको खोल के देखते हैं हम कि यहाँ से शायद गाड़ी मिल जाए हमें। ना जी ना, ये नहीं खुल रहा। तो चलें दूसरी तरफ कोई रास्ता ढूंढते हैं, ये दरवाज़ा खोल के देखते हैं। यहाँ से भी जाने की कोई जगह नहीं है, कोई और रास्ता। यहाँ से हम देखते हैं कि शायद खिड़की से कहीं चला जाए। नहीं जी, खिड़की से भी नहीं कोई जगह। तो ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसके ऊपर से इसके ऊपर चढ़ के। जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर चढ़ के और यहाँ से हम इनके घर में एंटर होंगे। तो यहाँ से खिड़की से एंटर होते हैं हम। खिड़की से एंटर होते ही हमने जाना है कहाँ? ये कौन है जी? ये आई थिंक इसकी वाइफ है। नहीं नहीं, ये इसकी वाइफ नहीं है। चलो खैर, छोड़ो जी, खैर जो भी है, हमने तो गाड़ी चुरानी है, बाकी किसी चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने बस चुपके से जाना है, गाड़ी चुरानी है और अल्लाह बेली हो जाना है हमने। ये जी माइकल की वाइफ है, हमने इनको कुछ नहीं कहना, हमने सिर्फ गाड़ी चुरानी है और यहाँ से निकलने की करनी है। ये छोटा सा गेट खोला हमने, ये गाड़ी है जी, ये गाड़ी है जिसे हमने चुराना। चलिए इसमें हम बैठते हैं और चलते हैं। इस गाड़ी को हमने लेके जाना है डीलर की शॉप पे। तो चलिए जी, इसको इस छोटे गेट से तो नहीं निकलेगी, बड़े गेट से लेके जाना पड़ेगा इसे। तो चलिए जी, रोड पे हम पहुंच गए। देखें जी, गोरों के रोड भी कितने साफ शफाफ हैं। निकाल कर दी सेमन को, जिसने हमें ठेका दिया था गाड़ी चलाने का। तो हम इसको मुख्तलिफ एंगल से हम आपको दिखाते हैं जी कैसी लगती है गाड़ी हमारी कैरिन।
तो आने वाली गेम्स में हम कोशिश करेंगे कि इसके चीट्स वगैरह हमें मिलें, तो चीट्स के साथ भी हम गेम को खेलेंगे। अब ये माइकल भैया कहाँ से निकला है? ये माइकल भैया तो हमारे साथ ही हैं। चलें, खैर, और ये हमें कह रहे हैं जी कि खामोशी के साथ गाड़ी चलाओ, नहीं तो ये 9 mm की जो गोलियां हैं तुम्हारी खोपड़ी से पार हो जाएंगी। तो हम भी खामोशी से ले चलते हैं इनको जहाँ पे कह रहे हैं ये। तो इनकी बातें हैं ज़रा लंबी चौड़ी हो रही हैं, इसको हम करते हैं स्किप, और जहाँ पे माइकल भाई हमें कहते हैं हम वहीं पे पहुँच के बाकी मिशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं डीलर की शॉप पे। अब माइकल भैया हमें कह रहे हैं कि खामोशी के साथ जो कह रहा हूँ वही करो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी जो है ना इसके अंदर से भेजा बाहर निकाल दूंगा। चलिए भाई, मजबूरी है, अभी गन हमारी खोपड़ी पे है तो हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये कह रहे हैं जी, दीवार, मतलब दीवार कह रहा हूँ यार, जो शीशा है दीवार का उसको तोड़ दो। चलो जी, हम तोड़ देते हैं ये ले जी, शीशा हमने तोड़ दिया। और ये भाई सैमन भैया कैसे घबराते हुए आ रहे हैं कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। और माइकल भैया ने हमें पैसे थमाए और निकल दिए। और ये जी करेक्टर, अभी माइकल हमारे हाथ में आ गया और हमने इसको सैमन को सही जो है ना द्रप द्रुप करना है। तो जी सैमन भैया की बड़े प्यार से धुलाई हो रही है जी, धुलाई हमने सही से धुलाई कर दी है। अब ये पता नहीं कौन कौन सी बातें इनकी, एक तो इस गेम में इनकी बातें बहुत ज़्यादा हैं, समझ से वाला तरह ये गेम, पता नहीं क्या चक्कर है इस गेम में। खैर, गेम है, खेलनी तो है हमें। तो चलिए जी, बस मेरे ख्याल से मिशन बस कंप्लीट होने वाला। तो ये मिशन कंप्लीट करने के बाद माइकल करेक्टर जो है हमारे पास अनलॉक हो जाएगा, तो उसके मिशन फिर हमारे पास आ जाएंगे, तो वो तो फिर हमने खेल ही लेने हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।